हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम पढ़ेंगे टेंस एंड वर्ब फॉर्म्स और बहुत ही इम्पोर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करूँगा। और ये वीडियो सभी बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए और सभी एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं। ये इस चैप्टर का पार्ट वन है और इसके जो रिमेनिंग वीडियोज़ हैं वो आगे के वीडियोज़ में आप देख पाएंगे। तो चलिए देखते हैं इन कॉन्सेप्ट्स को। देखिए, इंग्लिश में तीन टेंस होते हैं, ये हम सभी को ऑलरेडी पता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और इसका सब डिवीज़न होता है, एक टेंस में चार टेंस और होते हैं, सिंपल और इंडेफिनिट जिसको हम बोलते हैं, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इस तरीके से तीन बेसिक टेंसेज में चार सब डिवीज़न के बाद टोटल 12 टेंसेज होते हैं। और इन 12 टेंसेज को मैं इस पार्ट में एक्सप्लेन करूँगा, इस चैप्टर में एक्सप्लेन करूँगा। इसमें मैंने वर्ब फॉर्म पर ज़्यादा मैंने फोकस किया है, बेसिक जो वर्ब फॉर्म्स हैं वो बताई हैं इस क्लास में। और टेंस का जो रिमेनिंग पार्ट है वो आगे के वीडियोस में आपको मिलेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, जैसे ये प्रेजेंट टेंस के चार एग्जांपल दिए हैं। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, आई टीच डेली, आई एम टीचिंग डेली, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, आई हैव ऑलरेडी टॉट और आई हैव बीन टीचिंग सिंस 1990, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो इनके रूल्स क्या होते हैं ये मैं आपको बाद में डिटेल में बताऊंगा, पहले आप बेसिक समझें। ये पास्ट टेंस के चार एग्जांपल दिए हैं, आई टॉट यस्टरडे, सेकंड फॉर्म आती है वर्ब की, सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस में। आई वॉज टीचिंग यस्टरडे, ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। आई हैड टॉट बिफोर यू केम, आपके आने से पहले मैं पढ़ा चुका था, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेंस होता है एग्जाम्स के लिए, और ये वाला टेंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आई हैड बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स बिफोर यू केम, मतलब पास्ट में जब आप आए थे उस समय मैं पिछले 3 घंटे से खेल रहा था। तो ये दो टेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये है फ्यूचर के एग्जाम्पल, आई शैल टीच, ही विल टीच, ही विल बी टीचिंग टुमारो। एंड इसमें ये वाला टेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर परफेक्ट, बाय दिस टाइम टुमारो He will have reached Agra। By का जो प्रयोग करते हैं हम परफेक्ट टेंसेस में करते हैं, ये आप ध्यान रखिए। और by यहाँ पर लगा हुआ है तो इसलिए इसमें will have का प्रयोग होगा, ठीक है। और जो नेक्स्ट सेंटेंस है, लास्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट ईयर ऑन 3rd जुलाई, अगले साल 3 जुलाई को वह यहाँ पर 3 साल से पढ़ा रहा होगा। तो ये जो टेंस है नीचे वाला, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हालांकि इसका प्रयोग स्पोकन इंग्लिश में तो ना के बराबर ही होता है और रिटन इंग्लिश में इसका प्रयोग होता है। ये वाला जो टेंस है फ्यूचर परफेक्ट, ये वाला जो टेंस है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पर हम कुछ बेसिक वर्ब फॉर्म्स पढ़ेंगे, जैसे अबाइड का फर्स्ट फॉर्म अबाइड है, सेकंड फॉर्म अबोर्ड है और थर्ड फॉर्म अबाइडेड है। इंग्लिश में वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं, फर्स्ट फॉर्म आप बोल सकते हैं, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म बोल सकते हैं, सेकंड फॉर्म, और एक होती है थर्ड फॉर्म जिसको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, ठीक है, जिसमें नॉर्मली ई डी लगा रहता है। और ये ई डी वाली जो फॉर्म होती है इसको हम एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ करते हैं। तो कैसे यूज़ करते हैं इसको अभी मैं आपको बताऊँगा, लेकिन सबसे पहले आप समझिए कि अबाइड का मतलब क्या है। एक तो अबाइड के इसके 3 मतलब हैं, एक है अबाइड का मतलब नियम या कानून को मानना, जिसके बाद अबाइड बाय आता है, एक इसका मतलब है सहन करना, और एक इसका मतलब है कहीं पर रहना। ये 3 मतलब हैं इसके, और ये 3 सेंटेंस मैंने यहाँ पर इसके दिए हुए हैं। आई सेड आई वुड अबाइड बाय देयर डिसीजन, मतलब मैंने कहा कि मैं उनके डिसीजन को मानूंगा। इफ़ देयर इज़ वन थिंग आई कैन नॉट अबाइड, इट इज़ अ लैक ऑफ डिसिप्लिन, यदि कोई एक चीज़ है जिसको मैं सहन नहीं कर सकता वो है डिसिप्लिन की कमी, अनुशासन की कमी। मैनी अनस्किलफुल मैन डू अबाइड इन आर सिटी ऑफ लंडन, काफ़ी सारे अनस्किल्ड मैन यहाँ पर रहते हैं। तो ये इसका मतलब है, अबाइड के ये 3 मतलब मैंने आपको बताए हैं। अराइज का मतलब है इमर्ज होना, किसी चीज़ का निकल के आना। अराइज का मतलब राइज भी होता है, मतलब बेड से उठना, उसको भी हम अराइज बोलते हैं। बेयर का मतलब सहन करना, देखिए बेयर का मतलब सहन करना भी होता है। और देखिए 2 मतलब हैं बेयर के, इसको आप ध्यान से समझिए। इसका एक मतलब है पैदा होना, ठीक है, जैसे मैं ग्वालियर में पैदा हुआ था, जैसे मैं आगरा में पैदा हुआ था,
तो उस सेंस में इसकी तीनों फॉर्में ये वाली हैं, बेयर, बोर और बॉर्ड। ठीक है, इसको बियर नहीं बोलते हम, बियर बोलते हैं इसको, बेयर, बोर और बॉर्न। तो बॉर्न इसकी थर्ड फॉर्म है और बॉर्न का प्रयोग हम केवल पैसिव वॉइस में ही करते हैं। जैसे मैं हमेशा बोलूँगा आई वॉज बॉर्न इन ग्वालियर, आई वॉज बॉर्न इन जयपुर। ठीक है, तो इसका प्रयोग बॉर्न का हम पैसिव वॉइस में ही करते हैं। इसका यहाँ पर ये मीनिंग लिखा हुआ है, ब्रिंग फोर्थ और प्रोड्यूस, पैदा करना या आगे लाना उसको। और एक बेयर का ये दूसरा मतलब है, इसका मतलब है सहन करना या किसी चीज़ को कैरी करना। तो उस सेंस में इसकी फॉर्म जो थर्ड फॉर्म होगी वो ये होगी, BORNE, बॉल, कैरी करना या सहन करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके बेस पर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। और बॉर्न का प्रयोग हम हमेशा पैसिव वॉइस में करते हैं। मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि आई एम बॉ आई बॉर्न, आई एम बॉर्न तो पैसिव वॉइस हो जाएगा, आई वॉज बॉर्न इन ग्वालियर, ये सही है, लेकिन आई बॉर्न ऐसे नहीं बोल सकते। या इसका प्रयोग पैसिव वॉइस, इसका प्रयोग एक्टिव वॉइस में नहीं होगा। ये हमेशा आप ध्यान रखिए, बॉर्न का प्रयोग हमेशा पैसिव वॉइस में ही होगा। बीट का मतलब किसी व्यक्ति को मारना या पीटना। बिकम, बिकेम, बिकम, ये सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सारी दी हैं। बिगेट का मतलब प्रोड्यूस करना, पैदा करना। ठीक है, बिगॉट सेकेंड फॉर्म है और बिगॉटन इसकी थर्ड फॉर्म है। तो टेंस के बेसिक्स बताने से पहले मैं आपको यहाँ पर ये कुछ फॉर्म्स बता रहा हूँ, तभी जब आप ये सारे बेसिक फॉर्म्स समझ लेंगे तभी आपको टेंस के जो बेसिक रूल्स हैं वो अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं, ये इनके बेस पर काफ़ी सेंटेंसेस, सेंटेंस करेक्शन के, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के और फिलर्स के आते हैं एग्ज़ाम्स में। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ और फॉर्म्स दी हैं, जैसे बिगिन, सेकेंड फॉर्म होगा बिगेन और थर्ड फॉर्म होगा बिगन। ये फॉर्म्स आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। बिहोल्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को देखना या निहारना, उसको हम बोलते हैं बिहोल्ड। बिहेल्ड इसकी सेकेंड फॉर्म है और बिहेल्ड इसकी थर्ड फॉर्म है, इसको हम बिहोल्डन भी बोलते हैं। यहाँ पर लिखा है ऑल्सो बिहोल्डन। बिसीच का मतलब है इम्प्लोर करना, बैक करना, किसी से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करना, उसको हम बिसीच बोलते हैं। ये सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। अब देखिए ये इम्पोर्टेंट हैं। और बिट, एक बिट का मतलब होता है बोली लगाना और एक बिट का मतलब होता है आज्ञा देना या गुड बाय कहना। तो उस सेंस में इसकी तीनों फॉर्में ये लिखी हुई हैं, बिड, बेड और बिडन। और बोली लगाने के सेंस में इसकी तीनों फॉर्में सेम रहेंगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप अच्छे तरीके से सीखिए। बॉर्न का यहाँ पर मैंने बताया है आई वॉज बॉर्न एट एन अर्ली एज। ठीक है, तो एक ये सेंटेंस दिया है, ये पैसिव वॉइस में यूज़ होगा। इस बॉर्न का मतलब होता है कैरी करना, जैसे दिस वायरस इज एयर बॉर्न, मतलब ये वायरस एयर से फैलता है, एयर बॉर्न है ये। दिस टेरिबल कस्टमर सर्विस कैन नॉट बी बॉर्न, मतलब इस बेकार कस्टमर सर्विस को सहन नहीं किया जा सकता। तो सहन करने के सेंस में देखिए यहाँ पर बॉर्न का प्रयोग हुआ है, जो कि सही है, ये करेक्ट का निशान लगा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये वाला जो बॉर्न है इसका मतलब होता है स्मॉल स्ट्रीम या पानी की छोटी सी धारा। तो इस तरीके से बॉर्न और बॉर्न का प्रयोग होगा। और यहाँ पर बिट के मैंने कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, ही सेज ही बिड फॉर द बेलियंट बिकॉज ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय द क्लब्स इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बिड यहाँ पर सही है, इसका प्रयोग हुआ है बोली लगाने के सेंस में। और ये गुड बाय में बेड, बेड हम लिखेंगे, ये सही है। और क्या देने के सेंस में ये बेड सही है, आई बिड ऑन द एक्सपेंसिव पेंटिंग यस्टरडे, ये सही है बिड यहाँ पर, ये सारे सेंटेंसेस सही हैं। कुछ और फॉर्म देखते हैं यहाँ पर, बाइंड का मतलब होता है बांधना या अटैच करना, बाउंड और बाउंड इसकी फॉर्म्स होंगी। बाइट का मतलब जैसे सांप काट लेता है या कुत्ता काट लेता है या कोई भी कीड़ा आपको काट लेता है, उसको हम बाइट बोलते हैं। तो बिटन इसकी थर्ड फॉर्म होगी। ब्लीड माने खून निकलना, ये थर्ड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये सेकेंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म। ब्रिंग मतलब लाना, ब्रॉट, ब्रॉट, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। बिल्ट, बिल्ट और बिल्ट, ये सेकंड फॉर्म और ये थर्ड फॉर्म। बर्न का मतलब जलना, बर्न्ट। अब देखिए ये एंटी वाली जो फॉर्म होती है ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, इसको हम एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ करते हैं, जैसे ब्रोकन, ब्लोन, ब्लैड, इसका भी मैं बताऊंगा आपको डिटेल में। जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से हम थर्ड फॉर्म को एडजेक्टिव की तरह यूज़ करते हैं। जैसे एडजेक्टिव यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है,
एडजेक्टिव को, एडजेक्टिव पार्टिसिपल जो होता है इंग्लिश में वो एक्चुअली एडजेक्टिव ही होता है। देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल, जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी फॉर्म लगी रहती है और पास्ट पार्टिसिपल में ईडी या ईएन फॉर्म होती है, और दोनों ही एडजेक्टिव होते हैं। एडजेक्टिव का मतलब है ये किसी भी नाउन की विशेषता बताते हैं। जैसे रनिंग टैप, चलता हुआ नल, तो नल कैसा है? नल चलता हुआ है, बहता है, ठीक है। तो इसलिए रनिंग यहाँ पर, रनिंग जो हुआ वो एडजेक्टिव हुआ। टायर्ड मैन, मैन कैसा है? थका हुआ है, तो टायर्ड जो हुआ वो एडजेक्टिव हुआ, क्योंकि ये मैन की विशेषता बता रहा है। तो ईडी वाले जो फॉर्म होते हैं वो सारे एडजेक्टिव होते हैं, जैसे टायर्ड है, बॉर्न है, बिरीव्ड है, बिरीव्ड मतलब दुखी, ब्रोकन मतलब टूटा हुआ, बिल्ट मतलब बना हुआ, ब्रेड मतलब जिसका पालन पोषण हुआ है, ठीक है, बर्न्ट मतलब जला हुआ, बस्ट मतलब फटा हुआ, इल गॉटन मतलब जैसे इल गॉटन मनी हम बोलते हैं, बुरे बुरे तरीके से कमाया गया पैसा, रिटिन, स्पोकन, ये ई एन और ई डी वाले जो फॉर्म होते हैं ये होते हैं एडजेक्टिव फॉर्म। तो इसकी करेक्ट फॉर्म आपको पता होना चाहिए, जैसे टायर्ड मैन ये सही है, वाटर बॉर्न, वाटर से पैदा होने वाली डिजीज, बिरीव्ड विडो। तो इसमें आप देखिए ध्यान से कि नाउन की विशेषता एक एडजेक्टिव इसमें बता रहा है, मैन है यहाँ पर, यहाँ पर वाटर है, यहाँ पर विडो है, यहाँ पर टॉय है, यहाँ पर क्वालिटी है, यहाँ पर मैन है, यहाँ पर हाउस है, यहाँ पर इंग्लिश है, स्पोकन एडजेक्टिव है, यहाँ पर वर्ंट एडजेक्टिव है, यहाँ पर ब्रेड एडजेक्टिव है, यहाँ पर बिल्ट एडजेक्टिव है। तो इस तरीके से, और इन वर्ड की जगह अगर यदि आप दूसरा वर्ड को यूज़ करेंगे तो वो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। तो इसको आप ध्यान से समझिए, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पर्टिकुलरली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, आई सॉ अ बर्न्ट हाउस एंड अ टायर्ड मैन देयर, ठीक है, आई एम गुड एट, यहाँ पर मैंने बताया है कि किस तरीके से इनका यूज़ होगा, रिटेन इंग्लिश, और ये सारे मैंने सेंटेंस बताए हैं जिसमें नाउन के साथ एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो इनको आप आराम से पढ़ लीजिए, ये इस तरीके से ये सारे करेक्ट सेंटेंसेस हैं। इसमें यदि आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करेंगे तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा, जैसे यहाँ पर आप बॉर्न की जगह बी ओ आर एन कर दें तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि डिजीज़ के लिए बता रहे हैं आप, वाटर वाटर बॉर्न डिजीज़ है ये, ठीक है। और बिरीव्ड विडो, इसकी जगह बिरीविंग कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। बिल्ट क्वालिटी, ये बिल्ट की जगह बिल्ड, BUILD कर देंगे तो गलत हो जाएगा। वेल ब्रेड की जगह और कुछ कर देंगे तो गलत हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। ब्रोक टॉय कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा, ब्रोकन टॉय सही है। तो इस तरीके से आपको इसको, इस कॉन्सेप्ट को समझना है। यहाँ पे मैंने कुछ और वर्ड दिए हैं, कट की तीनों फॉर्में समान रहती हैं, डील मतलब सामना करना, डिग मतलब खोदना, डू माने कोई काम को करना, ड्रॉ माने खींचना या पोर्ट्रे करना, ड्रिंक माने पीना, और ड्रंक जो है वो एडजेक्टिव है। जैसे यदि मैं बोलूँ कि ही इज़ ड्रंक, तो इसका मतलब होगा कि वह पिया हुआ है, उसने शराब पी हुई है, ही इज़ ड्रंक। और ड्रंकन भी हम बोलते हैं, ड्रंकर्ड भी हम बोलते हैं, ड्रंकर्ड होते हैं जो जो जिनको लत लगी हुई होती है पीने की, ड्रंकर्ड, पियक्कड़ जिसको हम बोलते हैं, और ड्रंक भी बोल सकते हैं, ड्रंकन भी हम बोल सकते हैं इसको। यहाँ पर मैंने कुछ गलत और सही सेंटेंसेस दिए हैं, आपको आइडिया होगा कि किस तरीके से इनका यूज़ होता है। इट वॉज ए ड्रॉन मैच, वो मैच कैसा था? ड्रॉन था, मैच यहाँ पर नाउन है, तो यहाँ पर आपको एडजेक्टिव फॉर्म चाहिए और एडजेक्टिव फॉर्म होगी ड्रॉन, तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका ड्रॉन, ड्रू मैच नहीं होगा, ड्रू से गलत हो जाएगा सेंटेंस। कट की तीनों फॉर्में समान रहती हैं तो इसलिए यहाँ पर कट आएगा, इसलिए सेंटेंस मैंने गलत इंडिकेट किया है कि ये सेंटेंस गलत है, ठीक है। आई ड्रैंक फिल्टर्ड वाटर, वाटर कैसा था? फिल्टर्ड था वो, ठीक है, तो फिल्टर्ड क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ यहाँ पर, क्योंकि ये वाटर की विशेषता बता रहा है। ही इज ड्रंक, ठीक है, तो ये एडजेक्टिव हुआ यहाँ पर। दिस मैच विल बी टेलीकास्टेड, ये कास्टेड की फॉर्म, ईडी नहीं आता इसमें, केवल टेलीकास्ट हम बोलते हैं, इसलिए सेंटेंस सही है। और ये आगे नीचे देखिए आप, आई बिड ऑन द बंगलो यस्टरडे, मैंने बंगलो पर बोली लगाई, तो बोली लगाने के लिए हम ये वाली फॉर्म यूज़ करेंगे, ये वाली फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए ये वाला सेंटेंस गलत है और ये वाला सेंटेंस सही है। द चाइल्ड क्राइड एंड क्लंग टू इट्स मदर, मतलब बच्चा रोया और अपनी मदर से लिपट गया, तो क्लंग यहाँ पर आएगा, क्लिंग नहीं आएगा, क्योंकि ये पास्ट टेंस में है, क्राइड पास्ट टेंस में है, ये क्राइड पास्ट टेंस में है, तो ये भी पास्ट टेंस में आएगी, तो इसलिए ये सेंटेंस आपका सही है और ये वाला सेंटेंस आपका, ये वाला गलत है। तो इस तरीके से इनको आपको देखना है।
ड्राइव का सेकंड फॉर्म होता है ड्रोव और ड्रिविन। ड्वेल, ड्वेल के तीन चार मतलब हैं। ड्वेल का मतलब रहना भी होता है, ड्वेल का मतलब पास्ट में जीना या पास्ट की बातें करते रहना, ठीक है। या ड्वेल का एक मतलब और होता है कि किसी सब्जेक्ट पर डिटेल में बोलना, वो भी ड्वेल होता है। तो अलग अलग तरीके से इसका यूज़ हो सकता है। देखिए ये फॉल इम्पॉर्टेंट है, फॉल और राइज इम्पॉर्टेंट है। एक होता है गिरना और एक होता है गिराना। तो गिरने के सेंस में ये वाली फॉर्म आएंगी, गिराने के सेंस में ये वाली फॉर्म आएंगी, ठीक है। राइज माने उठना, उठने के सेंस में ये वाली वर्ब आएंगी, उठाने के सेंस में ये वाली वर्ब आएंगी। तो बहुत ध्यान से इन वर्ब को आप आराम से सीखिए। इस वीडियो को आप दो तीन बार देखेंगे तो ये सारी वर्ब फॉर्म आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएंगी। यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, इसकी मदद से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। रेज योर हैंड्स, अपने हाथ उठाओ। तो यहाँ पर रेज सही होगा, राइज नहीं होगा, क्योंकि राइज माने होता है उठना और मैं बोल रहा हूँ अपने हाथ उठाओ, तो इसलिए रेज यहाँ पर सही होगा। आई हैव गॉट ए सैलरी रेज, यहाँ पर रेज होता है, ठीक है। अब देखिए रेज योर लिविंग स्टैंडर्ड, अपना लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाओ, उठाओ, तो उठाने के लिए हम रेज बोलेंगे। राइज का मतलब होता है कि वो चीज़ अपने आप ऊपर उठ रही है, रेज का मतलब है कि हम उसको उठा रहे हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझिए, राइज का मतलब है अपने आप उठना और रेज का मतलब है उसको किसी प्रयास के द्वारा उठाना, ठीक है। वी शुड राइज अर्ली, ठीक है, तो यहाँ पर राइज आएगा। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, यहाँ पर राइज आएगा। ये मैंने सही आंसर बगल में लिखे हैं। प्राइसेस आर राइजिंग, मतलब प्राइस अपने आप बढ़ रही है, हम उनको बढ़ा नहीं रहे हैं, तो इसलिए राइजिंग आएगा। ही फेल्ड, अब यहां पर क्या आएगा, सम ट्री यस्टरडे, ठीक है। ही फेल्ड सम ट्रीज यस्टरडे, उसने कल कुछ पेड़ गिराए, गिरे नहीं अपने आप पेड़, उसने गिराए, तो इसलिए फेल्ड आएगा यहां पर, ठीक है। और ही फेल फ्रॉम द टॉप, वह अपने आप ऊपर से गिर गया, उसको गिराया नहीं, वो अपने आप गिर गया, तो इसलिए यहां पर फेल आएगा। तो ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस है, इनको आप बार बार पढ़िए और ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर करिए। यहाँ पर मैंने ये ड्वेल के सेंटेंसेस दिए हैं और तीनों सेंटेंसेस करेक्ट हैं। ही वॉज ड्वेलिंग इन पॉवर्टी, मतलब वो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में रह रहा था। ड्वेलिंग का मतलब उस पर्टिकुलर सिचुएशन में रहना, वह गरीबी में अपना जीवन जी रहा था। ही वॉज ड्वेलिंग इन पॉवर्टी। ही ड्वेल्ट ऑन द नीड टू ट्रिम द बजट, मतलब उसने काफ़ी डिटेल में बोला कि बजट को ट्रिम किया जाए, कम किया जाए। ही ड्वेल्ट ऑन द नीड टू ट्रिम द बजट, ये सेंटेंस सही है। ही कैप्ट ड्वेलिंग ऑन वॉट वेंट रॉन्ग, मतलब वह पुरानी बातें सोचता रहता था कि क्या चीज़ गलत हुई, उसके बारे में वह ड्वेल करता रहता था, और ड्वेल के बाद यहाँ पर ऑन लगाया है जो कि सही है। तो ये पार्ट वन था टेंस का, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बताए और कुछ बेसिक वर्ब फॉर्म इसमें मैंने आपको बताए हैं। आगे का टेंस का आगे का पार्ट आप नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे, तो उसमें मैं टेंस के बेसिक रूल्स और कुछ वर्ब फॉर्म आपको बताऊँगा। तो इतना आप समझिए, इसको आप ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सीखिए, और नेक्स्ट में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पर आप मुझे अपना फीडबैक दे सकते हैं कि कैसा लगा आपको ये वीडियो, कोई गलती लगी हो, कोई एरर लगी हो, कोई स्पेलिंग मिस्टेक लगी हो, तो उसको ज़रूर आप पॉइंट आउट करें और मुझे बताएं इस ईमेल आईडी पर, मैं डेफिनेटली उसको अप्रिशिएट करूँगा। और इंग्लिश एडवांटेज ग्रुप है फेसबुक पर, उसको आप ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पर मैं सारे नोटिफिकेशंस भेजता रहता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।